मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब लड़की गर्लफ्रेंड बनती है तो जान बन जाती है, और वही जब शादी के बाद बीबी बन जाती है तो जानलेवा क्यों हो जाती है? सुनो, मुझसे बहस करके तुम्हें क्या मिलता है? अरे तुमसे बहस करके मुझे वो शांति मिलती है जो काशी हरिद्वार में नहीं मिलती। अगर कोई तेल लगाने से सर के बाल वापिस आ जाते हैं तो अनंत अंबानी जी तो करोड़पति हैं, तो फिर उनके सर के बाल वापिस क्यों नहीं आए? अरे फर्जी तेल के चक्कर में ना पड़ो, नहीं तो बचा हुआ बाल भी गायब हो जाएंगे। क्या जमाना था वो, जब लोग घर के दरवाजे पे लिखवाते थे अतिथि देवो भवा, शुभ लाभ, यू आर वेलकम, और अब कुत्ते से सावधान। साला एक बार तो धरती घूमना बंद हो गई जब एक लड़की ने मुझसे पूछा, भैया बैंक अकाउंट में अपनी डीपी कैसे चेंज करते हैं? औरतों का सबसे बड़ा दुख ये है कि वो अपने बच्चे को छोड़कर अरे सास के बच्चे को सुधारने में पड़ी है। आजकल 10-12 साल के बच्चे एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा रहे हैं। मैं तो साला इस उम्र तक मिट्टी खाता था। जूते और लोग अगर आपको तकलीफ दे रहे हैं तो समझ लेना वो आपके नाप के नहीं है। पहले हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता था, और अब आदमी को पहले सफल होना पड़ता है फिर औरत हाथ में आती है। यार ये बता, जो खाना सामने रखा हुआ भी ना खा सके और जो नींद आते हुए भी ना सो सके, साली वो बीमारी कौन सी है? अबे यही तो जो तुम हाथ में पकड़े हो। हेलो लोग अपनी बहन बेटियों को तो शेर बनाते हैं, लेकिन दूसरों की बहन बेटियों को देखकर कुत्ते क्यों बन जाते हैं? बाबा बोलो बच्चा, मेरी बीबी मुझे बहुत परेशान करती है बाबा, कोई उपाय बताए बाबा। अरे मूर्ख, अगर मेरे पास कोई उपाय होता तो साले मैं साधु क्यों बनता? यार एक मुहावरे का अर्थ बता। सांप के दुम पर पैर रखना, सांप के दुम पर पैर रखना, अरे ये तो बड़ा सिंपल है। अरे यार तुम्हारे लिए सिंपल है, मेरा तो सोचते सोचते सर चकरा गया। रोज बीबी से झगड़ा करते हो फिर भी दिमाग लगा नहीं पाते हो। यार क्या बोल रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे यार वही तो है, बीबी को मायके जाने से रोकना।